ये रिवर्सिबल बैग बनाना सीखेंगे, शॉपिंग बैग। ये बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ये एक तरफ से हमने ब्लैक कलर में बनाया है इस तरीके से, और एक कलर से एक तरफ हमने ये प्रिंट में बनाया। तो अगर आप ब्लैक कलर यूज़ करना चाहें तो ये ब्लैक कलर है विद ब्लैक स्ट्रैप्स, और अगर आप प्रिंटेड यूज़ करना चाहते हैं तो इसे जस्ट ऐसे फोल्ड कर लीजिए, तो ये हमारा प्रिंटेड पोर्शन आ जाएगा विद प्रिंटेड स्ट्रैप्स। ये देखिए, और ये चारों तरफ से बिल्कुल फिनिश है, कहीं से भी कोई सिलाई इसमें नहीं दिखती। ये देखिए, तो इस तरीके से चलिए हम इसे बनाना सीखते हैं। आपके पास कोई भी पुराना सूट हो, कोई पुराने फ्रॉक का कपड़ा पड़ा हो, शर्ट का कपड़ा पड़ा हो, जो भी आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो हमने इसमें दो पीसेस लिए हैं, दो पीस मैंने ये प्रिंट के लिए हैं, और इसके साथ मैचिंग में ऊपर यहाँ पे दो पीस मैंने ये प्लेन के लिए हैं इस तरीके से, इसके साथ ये मैच करके। तो आप कोई भी प्रिंट ले सकते हैं। ये मैंने दो पीसेस लिए हैं, इनके मेज़रमेंट्स मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपने बड़ा बैग बनाना है तो आपको ये बड़ा लेना पड़ेगा, लेकिन स्क्वायर पीस लेने ऐसे हैं, बनाने का मेथड सेम है। ये मैंने लिया है अप्रॉक्सीमेट 18 इंच, और इसकी लेंथ मैंने ली है 11 इंच, 18 बाय 11 इंच के पीसेस लिए हैं। और ये दो पीसेस मैंने लिए हैं, 11 इंच इसकी लेंथ है, और इनकी विड्थ है अप्रॉक्सीमेट 3.5 इंच। तो अगर आप इससे बड़ा बैग बनाना चाहते हैं और भी, तो ये मेज़रमेंट्स आप थोड़ी थोड़ी बड़ी उसमें 2-2 इंचज़ या 3-3 इंचज़ एक्स्ट्रा जोड़ दीजिएगा, तो आपका ये बड़ा बन जाएगा बैग। ये मैंने सेम इसी तरीके से प्रिंट में से कटिंग किया है, और सेम ऐसा ही मैं ब्लैक कलर का बैग बनाऊंगी। तो ये मैंने ब्लैक कलर में से भी सेम दो मैंने बड़े वाले पीसेस कट किए हैं, और ये दो मैंने प्लेन कट किए हैं इसके साथ ऊपर वाले पीसेस। तो ये मेरे दो पीसेस हो गए। एक कलर में ये बनाऊंगी और एक कलर में ये ब्लैक कलर बनाऊंगी, ब्लैक कलर में बनाऊंगी। तो हमारा रिवर्सिबल बनेगा, एक तरफ से ये प्रिंट वाला बैग और एक तरफ से ये प्लेन वाला बैग। तो हमें यही चीज़ें चाहिए। ये मैंने बेल्ट के लिए लिया है, दो पीसेस मैंने प्रिंट के लिए हैं और दो पीसेस मैंने प्लेन के लिए है। एक तरफ मैं प्रिंट लगाऊंगी और एक तरफ मैं प्लेन लगाऊंगी। इसकी विड्थ मैंने ली है अप्रॉक्सीमेट 2 इंच है, और इनकी लेंथ मैंने ली है, जितना भी आप लंबा हैंडल बनाना चाहें, 20 इंच इनकी लेंथ है। चार पीसेस मैंने ये कट किए हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से हम बनाएंगे। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। और आपको क्या चाहिए, कोई भी लेस आप लगाना चाहें, जिससे मेरे पास ये लेस पड़ी है तो ये मैं लेस यूज़ करूँगी। तो आप कोई भी आपके पास लेस हो तो वो हमें लेस चाहिए। 1, 2, 4 पीसीज ये मैं लेस यूज़ करूँगी। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो दो ग्रीन पीसीज है और ये जो दो ब्लैक पीसीज है ऊपर वाले, इसके ऊपर हम लेस लगा लेते हैं। तो ये लेस मैं लूँगी इसके सेंटर में और इस पर सिलाई लगा लूँगी। 1, 2 एक लेस इस पर लगा लूँगी, 3 और 4। तो इन 4 लेसेस को सिलाई लगा के आप फिनिश कर लीजिए। ये मैंने 4 के 4 पीसेस पे लेस लगा ली, 1, 2, 3 और 4, जो हमारे बैग के ऊपर लगने वाले पीसेस हैं। अब इन्हें साइड पे रखिए। अब हमें क्या करना है, पहले हम इसे एक को ले लेते हैं, कोई भी एक कलर ले लीजिए, जैसे मैं ब्लैक कलर ले लेती हूँ। इसे नीचे से राउंड शेप दे दीजिए, हम इसे थोड़ी सी राउंड शेप दे देंगे, 3 इंच, 2 इंच, 2 इंच और 3 इंच लेके ये मैंने इसे राउंड शेप दे दी। अब इसे कटिंग कर लीजिए। तरफ से देनी है आपको शेप, सिर्फ नीचे वाली तरफ से, बॉटम साइड से। सेम ये वाली शेप इस प्रिंट फैब्रिक में भी आप दे दीजिए। ये हमने शेप कटिंग कर दी, सेम इसी तरीके से इसकी भी शेप कटिंग कर लीजिए। ये हमने दोनों में नीचे से शेप कटिंग कर दी। हम एक एक करके पीसीस को जोड़ेंगे। मैं आपको एक पीस जोड़ना बताती हूँ, बाकी सारे चारों भी उसी तरीके से हमें ज्वाइन करना है। ये मैंने ब्लैक पीस ले लिया, और जो हमने ये ऊपर छोटे वाले पीस पे ब्लैक लगाया था, ये इस पीस को इसके साथ हमने ज्वाइन करना है। तो इसका सेंटर ले लीजिए, इसका सेंटर पॉइंट ले लीजिए,
कि मैंने सेंटर पॉइंट ले लिया, इसका भी सेंटर पॉइंट ले लीजिए। ये आ गया इसका सेंटर पॉइंट और ये इसका सेंटर पॉइंट। जैसे मैं पिन अप कर रही हूँ बिल्कुल वैसे ही हमें इस पर सिलाई लगानी है। पहले सेंटर से मैं इसे पिन कर देती हूँ। सेंटर से मैंने पिन कर दिया, अब इसे साइड से जितना एक्स्ट्रा है बीच में कर दीजिए और यहाँ साइड से भी इसे पिन कर दीजिए। ये पिन हो गया। इसी तरीके से इस तरफ से कॉर्नर में ले आइए बिल्कुल और इसे पिन कर लीजिए। ये देखिए तीनों तरफ से मैंने पिन कर दिया। अब ये जो हमारा बच गया है बीच में एक्स्ट्रा, इस पर हमें प्लीट्स डालनी है। तो इस पर एक प्लीट मैंने ये मैंने हल्के से हाथ से प्लीट डाल दी, एक इधर और एक इधर, और इसे भी पिन कर लिया। हमने ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है इस पर भी सेम इसी तरीके से दो प्लीट्स डाल दीजिए, वन और ये टू। बस जैसे मैंने इसे पिन अप किया है सेम इसी तरीके से आप इस पर सिलाई लगा लीजिए। अब इस पर सिलाई लगा लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा लीजिए। तो ये हमारा इस तरीके से ज्वाइन हो जाएगा विद प्लीट्स। सेम इसी तरीके से जैसे मैंने ये वाला पीस बनाया है वैसे ही ये इसके साथ ब्लैक के साथ और ये प्रिंट वाले के साथ जो हमने प्लेन कॉम्बिनेशन लिया था, ये एक पीस इसके साथ और ये एक पीस इसके साथ, ये चारों पीसेज आपको रेडी करने हैं। उसके बाद हम इसे आगे बनाएंगे। तो ये चारों पीसेज सेम इसी तरीके से रेडी कर लीजिए जैसे मैंने ये वाला पीस रेडी किया है। हमने फोर पीसेज अटैच कर लिए। ये हमारा ब्लैक वाला रेडी हो गया, वन और टू पीसेस। और सेम इसी तरीके से जो मैंने दूसरे कलर का बैग बनाना है उसके लिए भी मेरा रेडी हो गया, वन और ये टू पीसेस। तो हम इस अब हम पहले इसकी बेल्ट रेडी कर लेते हैं। तो ये हमारा ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। एक तरफ से हमारा ये कलर बनेगा और एक तरफ से ये बनेगा। तो चलिए हम इसे आगे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले अब हम इसकी बेल्ट बनाएंगे, फिर हम इन्हें आपस में बस एक सिलाई लगाएंगे तो ये हमारा बैग रेडी हो जाएगा। सबसे पहले हम इसकी बेल्ट रेडी कर लेते हैं। तो एक तरफ मुझे प्लेन चाहिए, एक प्लेन और एक प्रिंट, एक प्लेन और एक प्रिंट। ये मैंने इसके ऊपर ऐसे रखी। अब इसे तीन तरफ से सिलाई लगा लीजिए। एक तरफ से ओपन लाइन दीजिएगा, वहां से हम इसे सीधा करेंगे। खाली यहां से सिलाई ले जाके यहाँ से लगा के पूरा यहाँ से यहाँ पर एक तरफ से मैंने ओपन छोड़ दिया है। तो अब हम इसे पहले सीधा कर लेते हैं। ये मैंने इसे सीधा कर लिया। तो ये हमारी बेल्ट हो गई। बस अब इसे प्रेस करके अच्छे से बिठा के एक सिलाई यहाँ लगा लीजिए और एक सिलाई यहाँ लगा लीजिए। तो इस तरीके से हमारी एक तरफ से ब्लैक और एक तरफ से ये प्रिंटेड बेल्ट रेडी हो जाएगी। ये देखिए हमने इस तरफ से स्ट्रैप्स भी रेडी कर लिए हैं, एक तरफ ब्लैक और एक तरफ प्रिंटेड। तो चलिए अब हम इसे स्टिच करना शुरू करते हैं। एक मैंने प्रिंट लिया, साइड पर रखिए दो मिनट, ये मैंने प्रिंट लिया और एक मैंने ये प्लेन वाला लिया जो मैंने उस तरफ लगाना है। पहले मैं एक स्ट्रैप ले लूंगी। पहले स्ट्रैप ले लीजिए इसे यहाँ पे और ये वाली स्ट्रैप यहाँ पे।
जिस भी पोजीशन में आप थोड़ा साइड को लगाना चाहते हैं, बीच में सेंटर में लगाना चाहते हैं, जहाँ पे भी लगाना चाहते हैं वहाँ पे ही मैंने इसे पिन कर दिया। ये मैंने पिन अप कर दिया। अब ये जो दूसरे वाला पीस है ये मैं लूँगी, इसे इसके ऊपर रखा और इसे यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगा लीजिए। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से रेडी हो जाएगा। तो इस पर पहले मैं यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेती हूँ। ये हमारा एक हो गया। सेम इसी तरीके से मुझे ये वाला पीस लेना है, दूसरे वाला। इस पर भी मैं स्ट्रैप लगाऊंगी और ये वाला पीस ऊपर रखना है इसके, और इस पे भी यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। तो वन और टू इन दोनों को रेडी कर लीजिए। ये देखिए मैंने ये भी सिलाई लगा ली और मैंने ये भी सिलाई लगा ली। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा रेडी हो गया है। देखिए एक पीस हमारा ये रेडी हो गया। यहाँ पे आप बैठने वाली सिलाई लगा सकते हैं, नहीं तो इसे प्रेस से अच्छे से बिठा लीजिए। और एक हमने इस पर भी सिलाई लगा ली। अब बस हमें आपस में एक फाइनल सिलाई लगानी है। कैसे लगानी है देखिए, ये पीस मैंने इस तरीके से रखा और ये इसके ऊपर रख दिया, इसको बीच में। अब हम इसे एक तरफ से, ये देखिए इस तरीके से रख दिया मैंने। अब इसे एक तरफ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे हम। यहाँ से थोड़ा सा स्पेस हमें छोड़ना है जहाँ से हम इसे सीधा करेंगे, सीधा करने के लिए। तो यहाँ से मैं इस पर सिलाई लगाना शुरू करूँगी। देखिए जैसे जैसे मैं पिनअप कर रही हूँ वैसे ही आपको इस पर सिलाई लगानी है। यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे और हम यहाँ तक सिलाई लेके आएंगे वापस, पूरे राउंड में इसमें लगा के। यहाँ से सिलाई शुरू करनी है, यहाँ से सिलाई लगाते हुए, यहाँ से सिलाई लगाते हुए, यहाँ पे भी पूरी सिलाई लगाते हुए, यहाँ से यहाँ तक पूरा सिलाई लगा के हमें वापस लेके आना है। फिर यहाँ पे भी सिलाई लगानी है। ये देखिए मैंने यहाँ सिलाई लगा लिया। यहाँ से मैंने शुरू किया था सिलाई लगाना, यहाँ से सिलाई लगाते हुए, ये पूरा सिलाई लगाते हुए, ये पूरा स्टिच करते हुए, पूरा राउंड ये मैंने सारा स्टिच कर लिया। बस मैंने थोड़ी सी जगह स्पेस यहाँ से छोड़ा है। अब यहाँ से आप इसे सीधा कर दीजिए, सारे का सारा बैग। सीधा करने से पहले, एक मिनट, सीधा करने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ साइड में छोटे छोटे नोचेस लगाने हैं ताकि ये इजीली सीधा हो जाए। ये मैंने नोचेस लगा लिए। बस अब जहाँ से हमने थोड़ा सा ओपन छोड़ा है यहाँ से इसे पूरा सीधा कर दीजिए। ये मैंने इसे पूरा सीधा कर लिया। यहाँ से जो थोड़ा सा छूटा हुआ था यहाँ पे मैं इस पर सिलाई लगा लूँगी। जहाँ से हमने इसे सीधा किया है इसे यहाँ से फोल्ड करके, यहाँ से फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लीजिए। यहाँ से यहाँ तक मैं इस पर सिलाई लगा लूँगी या सुई और धागे से हल्का कच्चा कर ली। ये मैंने थोड़ा सा जो था उस पर सिलाई लगा ली। तो बस हमारा बैग रेडी है। आप जो कलर यूज़ करना चाहते हैं इसमें, इसे अंदर को फोल्ड कर दीजिए। तो ये हमारा ब्लैक कलर रेडी हो गया।
ये एक तरफ से ब्लैक बन गया। और अगर आप दूसरा कलर यूज़ करना चाहते हैं तो इसे पूरा फोल्ड कर लीजिए। ये हमारा पिंक कलर हो गया, ये हमारा पिंक कलर बन गया। तो इस तरीके से हमारा ये रिवर्सिबल बैग बिल्कुल रेडी हो गया।